यूपी से गायत्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार हसीन साहब। गायत्री जी स्वागत है आपका। मेरा प्रश्न तीन चार है जी। हाँ, एक मेरे रिश्तेदार हैं 60 साल के, वो बेड पर लेते हैं, उनसे मतलब कमर इतना पकड़ लिया है कि वो उठा नहीं जा रहा है, उनसे डोला नहीं जा रहा है। और एक और रिश्तेदार हैं, उनके माने लड़का है, उसकी लंबाई बढ़ नहीं गई है, वो शर्म को मारा वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसके लिए बताइए। दोनों की उम्र बताइए, दोनों की उम्र बताइए, जो भी मरीज बताए। तो वो 60 साल के हैं और लड़का है 16-17 साल का जी। तो बहुत बहुत कद का बहुत छोटा है। ठीक है, और कोई सवाल? बस इतना ही। ठीक है मैम। तो देखिए, सबसे पहले उन बुजुर्ग के बारे में बात करेंगे जो मेरी हम उम्र हैं। गौन स्याह खरीदें, असली, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद मलाई में मिला के दे दें, या घी में मिला के दे दें। गौन स्याह आधा ग्राम असली, नकली नहीं, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और बाद में पानी पिला दें या कम चर्बी का दूध पिला दें। ये आप रोज़ाना दो बार आधा आधा ग्राम दें, इन बुज़ुर्ग के लिए फ़ायदा होना मुमकिन है। और ये बच्चा जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अभी गुंजाइश तो है, भगवान से मदद मांगे। गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये भी असली लेना ज़रूरी, नकली भी मिलता है। सफ़ेद वाला लें, गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना, 1 नारियल पानी के साथ इन्हें दिया करें, और शर्माए नहीं, मुकाबला करें, अभी गुंजाइश है। अपनी पैमाइश कर लें, मतलब नाप लें अपना कद, लिख के रख लें, और फिर 2-3 महीने बाद फिर उसको नापें। अगर उसमें ज़रा सा भी फ़र्क आने लगे तो समझ लीजिए आप लंबे समय तक खाने से आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। भोपाल से है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। मिसेस गीता तिवारी अपनी है, कौन सी आ खा रही है। मैडम दो तीन सवाल है मेरे, लिख लो आज जी। पहला सवाल ये है कि कौन सी खा रही है, उसके साथ में अश्वगंधा और अलसी भी खा रही है उसको तेज करने के लिए। ठीक है, तबीयत कैसी है, कब से ले रहे हैं? तबीयत तो 2.5 महीना हो गया, अभी ज्यादा 30% करीब। ठीक, और उनका पेशाब तो बंद हो गया, 1.5 महीना हो, दवाई खाए राजवंती, अब उसको बोल रही है अब मना कर दूं नहीं खाऊं, उसकी जगह जैतून का सिरका ले सकती है क्या? जी जी ले सकती है, और बताइए। बस यही है सवाल, बाकी तो हमने किया था कि हम भी खा सकते हैं इसको। ठीक जी, इसमें उन्नाव भी मिला लें क्या? हाँ, उन्नाव मिला लें, गुठली निकाल देना उन्नाव की, और आप भी ले सकते हैं, और कम फायदा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, किसी किसी को देर से फायदा होता है, किसी को अच्छे से, लेकिन 30-35% फायदा है, तो इसी पर भगवान का शुक्र करें। कभी कभी हम शुक्र कम करते हैं तो ये ख़त्म होते होते आपकी पत्नी को सेहतमंद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो मेरी बातों पर भी अमल कर रहे हैं, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करने को मैंने कहा, वो ज़रूर करें, और झाड़ू पोंछा ना करें ज़मीन में बैठ के। तो इलाज के दौरान थोड़ी कम मेहनत कर लें, वज़न ना उठाएं, ये ग्रामीण लोग हैं आप, कुछ ना कुछ मेहनत का काम ऐसे कर डालते हैं जैसे कोई बात ही नहीं, तो कुछ दिन ना करें, किसी कोई वजह है जो कम फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। आप पेशाब को भी फ़ायदा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, और सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल,
तो सर सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं हकीम साहब ने, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमेशा ही बताते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को कितना ज़्यादा लाभ मिल रहा है, कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है उन नुस्खों को अपना के जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। और इसी के साथ आप लोग हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप लोग YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो नुस्खे यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, कई बार क्या होता है दर्शक कॉल तो कर लेते हैं और टीवी का वॉल्यूम इतना तेज कर लेते हैं कि उनकी बात अच्छे से नहीं हो पाती है, अपने सवाल कर लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने सारे नुस्खे आप लोग जानेंगे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इसी के साथ असली नकली में पहचान कर सकते हैं, ठगी के शिकार से बच सकते हैं। मार्केट में कोई भी रॉ मटेरियल दिखता है जो हकीम साहब बताते हैं तो असली नकली में पहचान ज़रूर कर लीजिएगा, वरना देखिए आपको लाभ तो मिलेगा नहीं, आपको नुकसान हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो पहचान करके ही आप लोग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कीजिएगा। एक एक नुस्खे को लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसी के बाद अपनाइएगा। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका ऋतु जी। Hello. स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी जी, नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी आज कॉल लग गई है, खुदा का शुक्र मेरी कॉल लगे, और भाई जान को मेरा नमस्कार बोलिए, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, स्वागत 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 आप। मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, गुटुक बुलाना ऑन कर दो मुझे। हकीम साहब, मैंने आपका गॉन मोरिंगा लिया था बालों के लिए, और मेरे को विद इन वन मंथ जो है बाल आ गए मेरे सिर पे। बहुत खुशी है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक्सरसाइज से मेरा जो ये गर्दन का दर्द और बाजू का दर्द था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है, और थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम सिर्फ मतलब पी केयर कैप्सूल लिए हैं स्टमक की, और यूरिन मुझे बार बार जाना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम है। और मेरे हस्बैंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको जो है साइनस की प्रॉब्लम है, और मैं चाहती हूँ, मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने वो मंगवाया था जैतून का सिरका, वो फार्मूला उनको दे सकती हूँ जो लहसुन अदरक और नींबू का है, उनको साइनस की काफी प्रॉब्लम है, काफी टाइम पुरानी। और उन हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलती रहिए। अच्छा, उनको उनको जो है स्टंट, एक स्टंट भी डला हुआ है, और बीपी उनका हाई रहता है, और पैरों में भी स्वेलिंग रहती है उनकी, और ये सब प्रॉब्लम है। और मेरे ब्रदर को ना पार्किंसन की प्रॉब्लम है, और किन साहब उसको दवाई दी थी एच केयर और एस केयर, एच केयर से उसको चक्कर आने शुरू हो गए, तो वो अभी बंद कर दिया, उसके बारे में भी प्लीज बता दीजिएगा। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं, भगवान ने आपके बाल दोबारा उगा दिए। मेरा तो मामूली मशवरा है, आपका भरोसा और भगवान की मदद काम करती है। और मैं कहता हूँ कि जिसको भी, जो मैं रॉ मटेरियल बताता हूँ, जिसको भी असली मिले उसको भगवान की मदद आती है, नकली मिलेगा मैं जिम्मेदार नहीं है, ना मैं कोई दावा करता, इधर रॉ मटेरियल हैं, असली लेना ज़रूरी है। तो मेरा भी विश्वास आप पर कायम हुआ, और ये नुस्खे आपसे एक अनुरोध करता हूँ मैं, जिनको भी फ़ायदा होता है कि ये नुस्खे अपने तक ना रखें, जिससे भी फ़ायदा हो फैला दें अपने आसपास। हर आदमी के 50-100 रिश्तेदार होते हैं, और हर घर में प्रॉब्लम है और वो जूझ रहा है, उससे परेशान है, तो ये अपने तक बिल्कुल ना रखें। इसकी पहचान आपको हो गई, असली कैसा होता है, सब बातें समझा कर लोगों को का इलाज करें, उनको रोग मुक्त करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है, आप माने ना माने ये आपकी मर्जी। अच्छा, देखिए साइनस के मरीज को ये ना दें सिरके वाला नुस्खा, तो उनको मैं दूसरा नुस्खा बताता हूँ। एक तो वो माजून आर केयर आती है, या तो वो दें, या वो नुस्खा मैं बताता हूँ।
ये आता है ना सपिस्तान उन्नाव अलसी, 100-100 ग्राम खरीदें, उन्नाव की गुठली निकाल दें और ये 100-100 ग्राम लें। और पीपला मूल कहते हैं हिंदी में, पीपले भी कहते हैं, जो किचन के गरम मसालों में होती है, वो 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। इनको खूब बारीक पाउडर बना लें, थोड़ा मोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले और सुबह, निहार मुझसे कहते हैं, और रात को खाने के बाद गर्म पानी से दें, खट्टी चीज़ें बंद कर दें। देखिए साइनस के मरीज को खट्टी चीज़ नहीं चलती है, तो खट्टी चीज़ों से बचाएं और उनकी दवाइयां भी दें उन्हें, एकदम न रोकें। और ये 5-6 महीने 7 महीने नुस्खा लेना है इनको, और ठंडी और खट्टी चीज़ों से बचना है। और एक आता है ये कौन चिलगोजा, एक चुटकी रोज़ाना खा लिया करें, एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाएं और ये पानी पी लिया करें, आपके हस्बैंड के लिए उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पार्किंसन की प्रॉब्लम है ब्रदर को? हाँ, ब्रदर को देखिए वैसे चक्कर तो नहीं आते उससे, लेकिन अगर चक्कर आते हैं तो ये एक्सरसाइज करें, है ना, ये 3 मिनट। जैसे आपने एक्सरसाइज की ना और आपकी तकलीफ चली गई, तो चक्कर हो या सर दर्द हो, इस एक्सरसाइज से लोगों को ठीक होते हुए देखा और आपने भी फ़ायदा उठाया जी, तो वही एक्सरसाइज आप उन्हें बताएं। और पार्किंसन में थोड़ा सब्र ज़्यादा, संयम ज़्यादा चाहिए, और वो दवाएं तो लें, और मूंग की दाल खूब खाया करें, मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल भुनी हुई, इस तरह से। और एक्सरसाइज ज़रूर करें, जो आप करने की है वो उनसे भी कहें कि एक्सरसाइज करें। गुड़गांव से हैं अर्चना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सर, नमस्कार मैडम जी, नमस्कार सर, जय हिंद। गुरु जी से बात करानी थी जी। गुरु तो नहीं हूँ मैं, तो मामूली सा आदमी हूँ, बताइए क्या सवाल है जी, बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है जी, मेरे को बीपी रहता है। बीपी रहता है जी, बीपी। सर उम्र कितनी है आपकी? 52 साल जी। अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर से निजात मिल सकती है, लेकिन 6-7 महीने लगातार अगर आप, एक तो उसका मैं बता रहा हूँ वो लें, तो एक आता है कलौंजी का सिरका, सिरका कलौंजी का, वो ले लें आप, और 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें, मिक्स करें, और सुबह नाश्ते के बाद ये पी लिया करें, और रात को खाने के बाद इसी तरह 2 बार 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच भी ले सकते हैं कलौंजी का सिरका, असली लें, नकली ना ले लें, नकली भी बहुत मिलते हैं। अगर ये आप 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें और अपनी दवाएं भी ना छोड़ें एकदम, तो धीरे धीरे आपको फायदा होना मुमकिन है जी। मध्य प्रदेश से हैं दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी, नमस्कार सर। मतलब हमारी मम्मी की भी तबीयत खराब थी, तो आपने दवाई बताई थी, तो उसके बाद मैं नागपुर गया था, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो एंडोस्कोपी वगैरह हमने कराया, तो सर उसमें क्या है कि जो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि आपकी मम्मी को एसिडिटी बनती है, तो होता ये है सर कि क्या है कि वो खाना खाती है थोड़ा भी, और फल फ्रूट सब खा लेती हूँ, मतलब पेट भर के नहीं खा पाती, थोड़ा सा खाती हूँ कभी पेट भर गया, और जैसे खाना 2-4 को खाती हूँ तो उनको उल्टी टाइप का, निचली टाइप का लगने लगता है, तो हमने इंडोस्कोपी कराई, तो उसमें कह रहे हैं कि एसिडिटी बनती है,
तो सर मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, मैं दूसरों की दवाइयाँ भी देता हूँ आपकी, तो उसमें आपने बताया था एलोवेरा का सिरका, तो सर उसमें प्रॉब्लम ही आ रही थी एलोवेरा का सिरका, आपने बताया था कि जितने भी सिरके होते सब वो देख रहे, और हमारी माता जी क्या है कि थोड़ा सा पंडा वगैरह कुछ खाते तो सर्दी मतलब शीत निजात की है, सर्द निजात की, तो इसमें सर एक चम्मच जैसे दो चम्मच एलोवेरा का सिरका देना है तो दो चम्मच लहसुन का जूस और दो चम्मच अदरक का जूस मिला के दे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसी की चली जाएगी सर, खाना भी हजम नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। ठीक ठीक, तो देखिए आप दूसरों को नुस्खे देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती, जिनको नहीं चलती उन्हें ना दें, ये इस तरह देकर देख ले आप, लेकिन अगर नहीं चले तो एक अलग से नुस्खा, जिन लोगों को सिरके यूज़ नहीं कर सकते जो लोग किसी कारणवश, तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, दो गिलास पानी मिलाएं, और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, आपके पास लिखे हुए होंगे मेरे नुस्खे क्योंकि आप लोगों को भी देते हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, मेथी का दाना लें और ये एक चम्मच उनको खिलाएं पाउडर, और ये पानी एक दो गिलास पानी में जो आपने नमक जैतून और ये खाने का सोडा दो गिलास पानी मिला ये पिला दिया करें दिन में बस एक बार या ज़्यादा दो बार, तो ये काम वही करेगा और उनका हाजमा अच्छा, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ये पूरे पेट के जो सिस्टम है उस पे काम करता है, कहीं वर्म होता है तो उसे निकालता है, कहीं हजम ठीक नहीं हो तो हजम ठीक करे, मैदे की मैं अगर वर्म हो, लीवर पे वर्म हो, आंतों में वर्म हो, बवासीर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।